कोतवाली थाना क्षेत्र में टप्पेबाजी ने सीवान से आए एक चश्मा व्यापारी से 20,000 रुपए लेकर चंपत हो गए। घटना की सूचना पर पहुंची मौकामी पुलिस तफ्तीश में जुट गई और गौरतलब है कि चश्मा व्यापारी मुन्ना कुमार पुत्र स्वर्गीय राम प्रसाद फतेहपुर सीवान बिहार का टप्पेबाजों ने 20,000 व 8 पीस कीमती चश्मा लेकर फरार हो गए। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए घटना के संबंध में पीड़ित मुन्ना ने बताया कि 2 बाइक से 4 लोग आए और बैग में हथियार होने की बात करके उसे चेक करने लगे और बैग को नीचे गिरा दिया और चले गए। उसके बाद जब हमने बैग चेक किया तो उसमें रखा 20,000 रुपया और 8 चश्मा गायब था। इस घटना को लेकर रेती चौक के व्यापारियों में काफी आक्रोश है। मौके पर कोतवाली पुलिस ने वादी की तहरीर पर 379-420 के तहत मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई में जुट गई। वैसे घटना के पास के CCTV फुटेज में कैद है लेकिन उससे मामला क्लियर नहीं हो पा रहा है। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए पीड़ित व्यापारी और व्यापार मंडल रेती चौक के सदस्य ने कहा, पीछे दोनों जो दोनों सब कहाँ का पहने का वो पहने बोल्डर भाई सुबह हो गई आकाश जी आकाश अभी पहले साहबगंज में पिछले हफ्ते घटना हुई है, वहाँ भी इसी तरह पुलिस के बेस में लूट की गई है, टप्पेबाजी की गई है चेकिंग के नाम पे, और अभी यहाँ पे घटना हो रही है। ठीक है, ये लगातार सेम पैटर्न पे घटनाएं हो रही हैं और व्यापारी चूंकि इतना हिम्मत नहीं कर पाता, पूछ ले तुम्हारा आई कार्ड क्या है, तो क्योंकि डर होती है थोड़ी पुलिस की, लेकिन ये व्यापारी का काम नहीं, इसमें सीसीटीवी फुटेज भी है, एवरीथिंग इज देयर, मतलब इसको कोई डाउट नहीं किया जा सकता है, फुटेज वगैरह सब कुछ है, पहचान में बहुत क्लियर फोटो है, साहबगंज वाले में भी नहीं पकड़ा गया, उसमें फोटेज था लेकिन उतना क्लियर नहीं था, इसमें बहुत ज्यादा क्लियर है, अब नहीं पकड़ा जाएगा तो हम लोग क्या देख सकते हैं। दोनों गाड़ी है, 2 साल से सर ये आ रहा है, हमेशा हर संडे संडे ये लोग आते हैं और आज पहली बार क्या आए दिन लूट हो गया, करना 25,000 रुपये का पूरा। मुन्ना कुमार, हम चश्मा की दुकान में काम करते हैं वहाँ सीवान, मेरे साथ सुबह में हम आए थे, पूर्वांचल ट्रेन थे, यहाँ उधर थे 9 बजे गर्मी में, तो वहाँ से हम ऑटो पकड़ के यहाँ आए थे माया बाजार में, तो हमारे चश्मा के सामने एक मोटरसाइकिल से आए थे 2 आदमी और हमको क्या किए कि रुका दिए, बोले कि हम थाने से आए, अभी मालूम चला है कि तुम हथियार लेकर आए हो और तू अपना बैग चेक कराओ, और एक आदमी को पहले से चेक किया मेरे सामने, तो वो भी चेक, हाँ भी उन्हीं का आदमी था, उतर गया और चेक की दिया, वो अपना दिखा दिया पैसा खाली, उसके बाद तो हट गया, अब मेरा चेक किया बैग, तो हम चेक करा दिए बैग, उसके बाद तो पैसा था उसमें और चश्मा था, पैसा 25,000 और उसमें चश्मा था 8 पीस, कस्टमर का था चश्मा, वो भी तो बुक हो गया था, वो तो देना था, कल डिलीवरी था, अब नहीं मिल,
लेकर चला गया सब। और तो क्या किया कि झोला गिरा दिया नीचे खाली, और उसको हम उठाने गए तब तक मेरा निकाल कर पीठ में से रवाना हो गया गाड़ी। पता चला तो हमको तुरंत वो इसी समय देखे हैं मेरे बैग में खोले पैसा नहीं है, तो फिर हम एक भैया को फ़ोन किए दिल्ली चश्मा लेकर, तो आए हैं तब गए पीछे तो कहाँ कुछ मिला, तब तक ये सर पहुँचे हैं वहाँ पे एक आदमी अपाची लेकर, तो हमको बैठाए हैं गाड़ी पर और बोले कि चलो रीति धोते हुए लेकर आए हैं इसमें बैठा दिए, तब तक ये भैया पहुँचे यहाँ पे कंप्लेन लिखा है तब तो कुछ बोले नहीं लोग, वही लोग कह रहे हैं कि झूठ बोलते हैं, यही लोग बोल रहे हैं कि तुम सो गए ट्रेन में चोरी हो गया, चोरी में ट्रेन में हो जाएगा मेरे उनका मंजर आलम। सर इनकी पूरी वीडियो क्लिप है जहाँ सिवान उजय मार्केट में जेपी चौक उजय मार्केट सिवान बिहार। सीसीटीवी फुटेज है पूरा उसका। हाँ हम हर संडे आते हैं। हम लोग बहुत भयभीत हैं, आए दिन इस तरह की घटना हो रही है, आज मान लीजिए 25,000 हुई कल 5,00,000 होगी, तो अगर इस तरीके से होगी तो कोई व्यापारी आएगा नहीं। एक तो वैसे ही धंधा बहुत मंदा चल रहा है और आए दिन रेती पे दुकानदारों के साथ इस तरीके से घटना होगी। आज इनके वहाँ ये देखिए सारे व्यापारी आज संडे के दिन अपनी दुकानदारी छोड़ के सब लोग क्या नाम है आए हुए बस इसलिए कि आज के बाद ऐसी घटना हम लोग के साथ ना हो। पुलिस से हम लोग की यही वो है कि सुरक्षा हम लोग को मिले, व्यापार हम लोग करने बैठे हैं क्या करें, पुलिस के नाम पे लूट हो जा रही है, कल को ये व्यापारी कैसे आएंगे हमारी दुकान पे ही आएंगे कैसे आएंगे, जब इनको इनकी सुरक्षा हमारी सुरक्षा नहीं होगी कैसे हम लोग क्या करें बताइए। हम लोग मैं बहुत टेंशन में है, एकदम समझ में नहीं आ रहा क्या करें हम।